ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2023 की मुरली में भगवान शिव ने वरदान देते हुए कहा, मीठे बच्चे, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। दिलाराम अर्थात दिल को आराम देने वाला, दिल को सुकून देने वाला परमपिता परमात्मा, जब हम उसकी याद में बैठते हैं तो हमारे तीनों काल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों अच्छे बन जाते हैं। तीनों कालों के लिए वाह वाह हो जाती है और हम सब इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि हम भरपूर हो जाते हैं। बाबा ने कहा, जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वो सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं, हर समय वाह वाह करते रहते हैं। उनके मन में, स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, कभी भी वो हाय हाय नहीं करते। दुनिया में तो सब जगह हाय हाय हो रही है, दुनिया बहुत दुखी है, पीड़ित। बाबा के बच्चे तो हमेशा हाय हाय की बजाय क्या कहते हैं, जो हुआ वो भी वाह, जो हो रहा है वो भी वाह, और जो होना है वो भी वाह वाह। तीनों ही काल वाह वाह, अर्थात अच्छे ते अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि दिल को आराम देने वाले परमपिता परमात्मा शिव की याद हृदय में समाई हुई है। जहां सब अच्छा है वहां कोई इच्छा उत्पन्न हो नहीं सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि कोई ना कोई अभाव है, कोई ना कोई अधूरापन है, तभी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन जो प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं, जो ज्ञान गुणों शक्तियों से संपन्न है, उनमें किसी भी प्रकार की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। आज का स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोग के संस्कार इमर्ज ही ना हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो, ऐसे शीतल बन जाओ, शीतला देवी बन जाओ, शीतल देव बन जाओ, जो जोश व रोग के संस्कार हैं, जो अहंकार की उत्पत्ति है। जब तक हमारे भीतर अहम है, जब तक हम आई एम ए बिग मैन सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं, तो हम दूसरों को रूब दिखाते हैं, अपना क्रोध दिखाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे संस्कार अब शीतल हो जाने चाहिए, क्योंकि तुम योगी हो, तपस्वी हो, ईश्वर की गाइडेंस में चल रहे हो, नए युग के प्रवर्तक हो। ट्रांसफॉर्मेशन लानी है संस्कारों में,
विचारों में, व्यवहार में, तो जोश व रोग के संस्कार अब हम बच्चों में इमर्ज नहीं होने चाहिए, तभी हम दूसरों के भी क्रोध को, उत्तेजना को, रोग को अथवा जोश को समाप्त कर सकेंगे। अच्छा